हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आज हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल पॉजिटिवली इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम में एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, और उसके लिए हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ रही थी। हमारे पास ई की वैल्यू थी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इस टॉपिक में हमारे पास क्या है, दो पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट्स हैं बेटा जी, और इनके ऊपर प्लस चार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा वन है, सेकेंड चार्ज जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है। अब देखो इस डायग्राम को मैं तीन रीजन में स्प्लिट करूँगी, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, और इसको आप और भी बोल सकते हो मिडल पार्ट, आउट लेफ्ट और आउट राइट। ये आपके पास तीन पार्ट्स होंगे। अब मैं फर्स्ट रीजन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगी कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है। देखो दिस इज अ फर्स्ट प्लेट, ड्यू टू फर्स्ट प्लेट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपके पास क्या आ गई, ई वन। तो यहाँ पर ई वन क्या आएगा, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, लेफ्ट आउट, तो ये लेफ्ट आउट है, तो ये सपोज करो ये आपका क्या है पॉजिटिव, इस तरफ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस तरफ आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में। अब ड्यू टू सेकेंड प्लेन शीट यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी ऐसे एक्ट करेगी रेडियली आउटवर्ड। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेकेंड प्लेन, तो ये क्या आ गई आपके पास ई टू। तो ई टू की भी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप सेकेंड रीजन में आ जाओ, सेकेंड रीजन में देखो बेटा जी, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई वन, ये किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्सेस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर प्लस सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपके पास आ गई ई टू, ये नेगेटिव एक्सेस इसके अलॉन्ग है, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये सेकेंड रीजन में आ गई। अब आओ थर्ड रीजन में, दिस इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, ये पॉजिटिव एक्सिस में है, प्लस सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आपका सेकेंड है, ड्यू टू सेकेंड प्लेट ई टू क्या आएगा, प्लस सिग्मा टू टू एप्सिलॉन नॉट, इज इट ओके। तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड उसकी वैल्यू। अब हम लोगों ने इन फर्स्ट रीजन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इन फर्स्ट रीजन। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ई वन प्लस ई टू, ठीक है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर आएगा। ई वन क्या है, माइनस सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा जी। ये इन लोगों में इसमें से माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी आ रहा है। ई वन क्या आ जाएगी, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, इज इट ओके। इफ अगर मैं इसमें स्पेशल केस लूँ, इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन क्या आएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा जी, माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एंड यू आर गोइंग टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ई वन, तो आपके पास ई वन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इज इट ओके।
सिमिलरली यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन टू, आपके पास रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दे बोथ इक्वल एंड ऑपोजिट, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 1/σ 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सेम सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल लगाना है, E1 प्लस E2, E1 पॉजिटिव है E2 नेगेटिव है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, σ1 - σ2, सेम इफ σ1 = σ2 = σ, तो σ - σ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0। तो इन सेकेंड रीजन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ थर्ड रीजन में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा जी, सेम थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, σ1 + σ2। अप्लाई कंडीशन अगर दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपके पास थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, σ/εप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टू पॉजिटिवली इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपके पास, यहाँ पर σ/εप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या होगी, आउट टू द प्लेट। मिडल में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और लेफ्ट आउट राइट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, σ/εप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसी में से एक और क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि फाइंड करना है आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टू पैरेलल ऑपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, चार्जेस कैसे हैं ऑपोजिट, तो उस केस में डायग्राम क्या आ जाएगी आपके पास, बोल रहे हो आपके पास एक प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज प्लस है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और दूसरी जो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट शीट है उसकी चार्ज क्या है, माइनस, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, -σ। सेम आपके पास तीन ही रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। इन फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। तो ये आपके पास फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो E1 क्या आएगा आपके पास, E1 - σ/2 εप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो +σ/2 εप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट रीजन की बात होगी। अब सेकेंड, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। तो ये आपकी दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, क्या आएगा, E1 और E2। E1 क्या आएगा, σ/2 εप्सिलॉन नॉट, और E2 σ/2 εप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? तो ये आपके पास विद इन द रीजन आ गई। अब थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड, E1 = σ/εप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली क्या आएगा, इनवर्ड। तो यहाँ पर E2 क्या आ जाएगा, -σ/2 भी आएगा, 2 εप्सिलॉन नॉट। नाउ अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट रीजन में 0, सेकेंड रीजन में बताओ, इन दोनों को ऐड करो, तो आपके पास क्या आएगा, σ/εप्सिलॉन नॉट। ये कैलकुलेट कर देखना, आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड रीजन में इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0, ठीक है। अब ये क्या है बेटा जी, दिस इज द टू पैरेलल प्लेट्स इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, दे आर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सो इट बिहेव एज ए कैपेसिटर। तो बेटा जी, जब भी आप लोगों से पूछा जाए, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स में विद इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज σ/εप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास दोनों चार्ज सेम है, दोनों के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों प्लेट्स के ऊपर, तो आपके पास फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, σ/εप्सिलॉन नॉट, और उसमें विद इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, 0, और थर्ड जो
लेफ्ट राइट रीजन आउट राइट रीजन था उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था दिस मच। तो आप लोग चेक कर लो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में जीरो आएगी। बट जब अगर आपके पास दो इनफाइनाइट प्लेन शीट के ऊपर सेम चार्ज है दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी और विद इन द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।